तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉग को परचेस करके आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी में डे वन से मिनिमम $50 की अर्निंग चालू करना स्टार्ट कर दें। 90,000 में आपको ऐसी साइट मिलेगी जो पर मंथ आपको 3 से 4 हजार रुपए बनाएगी। तो 2 साल में इसी ट्रैफिक के साथ आप रिकवर कर सकते हैं, अगर काम नहीं भी करेंगे तो। सिर्फ आपको साइट की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एक ब्लॉग को परचेस कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या हैं। एक ब्लॉग स्टार्ट करने का कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप एक डोमेन परचेस करते हैं, फिर उसके होस्टिंग अकाउंट के साथ में आप लिंक करते हैं, कुछ यूनिक आर्टिकल पब्लिश करते हैं, कुछ यूनिक बैकलिंक्स बनाते हैं, तब कहीं जाकर के आपको 5 और 6 महीने के बाद में कुछ विजिबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसी बीच जब तक आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलने लगते, इधर यू आर डीमोटिवेटेड या फिर आप ब्लॉगिंग की जर्नी छोड़ के चले जाते हैं। तो क्यों ना आप कुछ ऐसा करें कि आपको रिजल्ट विद इन 5 मिनट स्टार्ट हो जाए। और ऐसा ही कुछ करने के लिए आपको करना होगा एक एग्जिस्टिंग ब्लॉग को परचेस। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कैसे आप किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉग को परचेस करके आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी में डे वन से मिनिमम $50 की अर्निंग चालू करना स्टार्ट कर दें। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एक ब्लॉग को परचेस कैसे करना है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक ब्लॉग की वेबसाइट को आप फ्लिपा के थ्रू कैसे परचेस कर सकते हैं, उसके 7 से 8 चेक्स जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एक वेबसाइट को परचेस करना चाहते हैं। बिना किसी डिले के इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले एवरी चीज। सो अगर आप इस चैनल पर नए, एक छोटी से मिनिमम फीस है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं वन बाय वन। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्लिपा यू समझ लीजिए कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे न सिर्फ वेबसाइट को बाय और सेल किया जाता है बल्कि एक्सपायर्ड डोमेन भी यहां पे परचेज किया जाता है। मोबाइल की एप्लीकेशन जैसे कि एंड्रॉइड ऐप जैसी एप्स भी यहां से परचेस कर सकते हैं, लेकिन हमारा गोल होगा एक ब्लॉग को परचेस करना। उसके लिए गाइस अगर आप फ्लिपा पे साइट को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो सेल करना चाहते हैं उनसे ब्लॉग को कैसे परचेस करें और इसके एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले जैसे आप फ्लिपा पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं जो कि फ्री का साइनअप है, नीचे लिंक दी हुई है, आप सिंपली अकाउंट क्रिएट कर दीजिए। ओके, विदाउट अकाउंट क्रिएट किए हुए आपको ज्यादा डेटा नहीं मिलेगा। ये सब होम पेज पे आते हैं, आपको स्क्रॉल करना एट द बॉटम के अंदर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट सेल्स के लिए लिस्टेड है। 1,20,000, यहाँ पे $4,99,000 के अंदर ये साइट सेल आउट हो रही है। हमें उस बजट में नहीं जाना है, आपको सिंपली स्क्रॉल करना है, कम एट द बॉटम यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा गेट ए फास्ट स्टार्ट अंडर $2,500। और उसके अंदर चाहे अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट परचेस करना चाहते हैं, जो हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है एक ब्लॉग को परचेस करना, तो हमें सेक्शन में जाना है कंटेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये वो एरिया है जहां पर ब्लॉग जो लोग सेल करने वाला है उनकी लिस्टिंग यहाँ पे दी हुई है। अभी आपके डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है, आपका डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन इनकी खासियत ये है ये वो ब्लॉग है जो ऑलरेडी पैसा बना रहे हैं, तो यहां पर आपको उस सारे इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले ये फिल्टर आउट करेंगे कि हमें ब्लॉग कौन सा परचेस करना है। तो यहाँ पे जो लिस्टिंग दिख रही है उसके हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है आपको $1,100 का इसका आस्किंग प्राइस है। मतलब इस ब्लॉग को अगर आपको परचेस करना है तो $1,100 पे करना पड़ेगा। अभी कौन सा ब्लॉग कौन सी कैटेगरी में परचेस करना है ये आपके इंटरेस्ट पे आता है, आपकी नीड पे आता है। मैं आपको बताऊंगा वो 6 से 7 पॉइंटर अगर यहां पे कोई वेबसाइट आप परचेस करना चाहे। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ज्यादातर नेदरलैंड के ट्रैफिक, मतलब एम्स्टर्डम, नेदरलैंड, यूरोपियन ट्रैफिक को ग्रैब करता है, तो यहां पर एफिलिएट कमीशन के ज्यादा चांसेस है। और वो इसलिए क्योंकि ये साइट ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रही है एफिलिएट सेल से। हो सकता है अमेजोन एफिलिएट हो, जैसे कि दिख रहा है अमेजोन एफिलिएट से, और ये साइट अभी ऑलरेडी $50 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और इनके आस्किंग प्राइस है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये साइट को आपको $1,100 में बेचेंगे। लेकिन मोटा मोटी बोलो तो ₹90,000 आपको लगेगा विद टैक्सेस एंड एवरीथिंग। 90,000 में आपको ऐसी साइट मिलेगी जो पर मंथ आपको 3 से 4 हजार रुपए बनाएगी। तो 2 साल में इसी ट्रैफिक के साथ आप रिकवर कर सकते हैं, अगर काम नहीं भी करेंगे तो। सिर्फ आपको साइट की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। खास बात यह है कि साइट पे 4,000 विजिटर पर मंथ आ रहे हैं। आई बिलीव इट कि अगर इन्होंने सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से मोनेटाइज किया है तो 4,000 वेबसाइट ट्रैफिक के साथ अगर आप इसको एडसेंस के थ्रू अप्रूवल लिखवा लेते हैं तो $100 का अर्निंग इजीली जनरेट हो जाएगा, आपकी अर्निंग $150 पे होगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो भी साइट यहां पे सेल आउट हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साइट बनाते हैं सेल करने के लिए मोटिव से, तो ये ज्यादा साइट पे इतना काम नहीं करते हैं, तो अगर आप इस पे काम करना चालू करेंगे तो चांसेस आर वेरी हाई। सबसे पहले अगर आपने अकाउंट बनाया है तो आपको व्यू लिस्टिंग पे जाना है। व्यू लिस्टिंग में जाने के बाद में आपको यहां पर वो साइट का पूरा डेटा दिखेगा कि ये साइट है किसके बारे में और क्या क्या इस साइट पे ऑलरेडी है।
तो आप स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेगी। आप सी मोर पे जाएंगे, आपको अलग अलग साइट्स की लिस्टिंग यहाँ पे दिखाई देगी, कौन सी कैटेगरी में कौन सी साइट किस तरीके से मोनेटाइज की और क्या क्या उसके सेलिंग प्राइजेस है। तो चाहे तो आप यहाँ पर आकर के ब्लॉग के नाम से एक फिल्टर लगा दे ताकि आपको सिर्फ ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट दिखेगी। नीचे आने के बाद में मंथली पेज यूज छोड़ के मंथली प्रॉफिट मिनिमम $50 आप डाल दें तो आपको $50 पर मंथ के हिसाब से जो साइट्स अर्न कर रही है वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इस एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ये साइट है $220 में सेल आउट हो रही है, हाइकिंग से रिलेटेड साइट है और ये वेरीफाइड लिस्टिंग है। जब भी आप साइट को परचेज करने की ट्राई करें यहां पे देखिए वेरीफाइड लिस्टिंग आना चाहिए, मतलब इसने या तो एडसेंस के थ्रू या फिर गूगल एनालिटिक्स के थ्रू उसके साइट को लिंक करके रखा है, उसके आईडी वेरीफाई करवा के रखी है, मतलब ये ऑथेंटिक सेलर है। तो हम इसको भी ओपन कर देंगे, साइट यूनाइटेड स्टेट्स की है। तो हम इन दोनों साइट्स को देखेंगे और बात करेंगे आपको क्या क्या चेक करना है अगर इन साइट्स को परचेज करना चाहे। सबसे पहले हम देखेंगे इससे कि thehikingdude.com के नाम से, तो इस साइट का लिस्टिंग क्या है, मैं सबसे पहले इसको गो थ्रू करना है। ये साइट 2021 में क्रिएट की हुई है, मतलब मोटा मोटा इस साइट को 2 साल हो चुका है और इसके अंदर 75 से ज्यादा आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, 1885 पेज व्यूज पर मंथ आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दिन के अंदर 60 पेज व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, 100% का प्रॉफिट मार्जिन और $58 पर मंथ का इसका अर्निंग है। अभी आपको क्या देखना है, यहां पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी 6 दिन बचा है इस साइट को परचेज करने के लिए $220 में, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। लेकिन सबसे पहले आपको इस साइट को ओपन करना है और देखना है कि साइट लुक एंड फील में क्या है, मतलब अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो यहां पर आपको इस साइट को देखने का मौका मिलेगा। उसके लिए सिर्फ आपको आपके अकाउंट के अंदर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवाना है, जैसे आप करेंगे तो आप उस साइट को गो थ्रू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं साइट जेन्युइन लग रही है, कंटेंट यहां पे जेन्युइन है और आपको क्या देखना है मोस्टली कि साइट का लुक एंड फील क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन है। इस साइट को ओपन करके आपको यह भी चेक करना है कि क्या इस साइट की कंटेंट की क्वालिटी आपको यूनिक लगती है या नहीं लगती। मुझे जो लग रहा है ये कहीं ना कहीं 200-300 वर्ड का एक आर्टिकल किसी ने चेप डाला है यहाँ पे, ये दिखने में जबरदस्त साइट लग रही है लेकिन इसका कंटेंट इतना यूनिक नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप इसको कंटेंट को ओपन करके देखिए, हो सकता है अभी चैट जीपीटी जैसे एआई टूल से ये लोग डिजाइन करके रख देंगे कि भाई हमारी साइट में इस टाइप का कंटेंट है, तो इसका कंटेंट इतना क्वालिटी मुझे नहीं लग रहा है इसलिए मैं इस साइट को ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। नो मैटर कि इन्होंने कितना पैसा यहाँ पे लिस्ट करके रखा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि साइट इतना पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है। तो सबसे पहले साइट को ओपन करना है, कस्टमाइजेशन देखना अच्छा लग रहा है, कंटेंट की क्वालिटी देखनी है कैसा लग रहा है, देन आपको अलग अलग स्टेप्स पे जाना है। इसके बाद में गाइस हम ये हॉबी गिटारिस्ट पे जाके देखेंगे, इसी भी साइट को ओपन करके देखेंगे ये साइट कैसा डिजाइन है, उसके एक दो कंटेंट को ओपन करके देखना है कि किस तरीके से। तो आप देख रहे हैं साइट ओके ओके राइट। इसके बाद इसको हम ओपन करके रीड मोर पे जाएंगे, देखेंगे साइट का स्ट्रक्चर कैसा है, डिजाइन कैसा है, कैसे इसको डिजाइन किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ हद तक ये साइट कुछ वही सिमिलर टाइप का कंटेंट यहाँ पे भी पब्लिश्ड है। तो आपको सबसे पहले कंटेंट क्वालिटी पे फोकस करना है राइट। इसके बाद आपको क्या देखना है, उस साइट के डोमेन को आपको कॉपी करना है। मान लीजिए कि ये इस साइट का डोमेन है, आपको कॉपी करना है या फिर इसके इस ब्लॉग पोस्ट को, जो भी इसका पुराना कोई ब्लॉग पोस्ट है, इसको आपको कॉपी में जाकर के गूगल में जाके देखना है कि साइट इंडेक्स भी हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे गाइस ये साइट ऑलरेडी, मैंने साइट कॉलम और इसके बाद उस साइट का URL मैंने यहाँ पे डाला और अगर ये साइट यहाँ पे दिख रही है मतलब गूगल के थ्रू ये साइट पैनलाइज नहीं है, मतलब इसमें हम एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये साइट गूगल के थ्रू पैनलाइज नहीं है, मतलब कि जेन्युइन साइट हो सकती है। इसके बाद गाइस आपको कुछ ऐसे कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करना है जैसे सैमरेज जैसे टूल, यहाँ पर उस साइट के डोमेन को आपको इंसर्ट करना है और देन आफ्टर, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आके इस साइट के रूट डोमेन को सर्च करता हूँ, देन सर्च पे क्लिक करके देखना है तो यहाँ पे उसका जेन्युइन डेटा आपको देखने को मिलेगा कि ये डोमेन कितना पुराना है, इस पे कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, ये सारा डेटा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1.6K कीवर्ड्स है, इसका ट्रैफिक 250 के आसपास दिखा रहा है, कनाडा और यूएसए में इसके बहुत सारे कीवर्ड्स रैंक हैं। तब मीन्स की साइट कहीं ना कहीं जेन्युइन है, चाहे इसकी कंटेंट की क्वालिटी इतनी जबरदस्त नहीं है, हो सकता है रिसेंट कंटेंट वो ऐसा जैसे पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं इस पर ट्रैफिक 31 आ रहा है, 14 आ रहा है, 11 आ रहा है और गिटार के अराउंड है, तो ऑब्वियसली यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग का पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये साइट अगर मैं एचरप में डाल के देखता हूं, यहां पर 1600 से ज्यादा कीवर्ड्स है जो इसके कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन के अंदर है या टॉप 100 के अंदर है, गूगल में ऑथेंटिक वेबसाइट है। इस ट्रैफिक में $50 से $100 का अर्निंग आपको इजीली पर मंथ हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट्स यहां पे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं ओरिजिनल स्टेट से 70-80% मिनिमम दिखाता है। तो यहां से हमें समझ में आया कि इसका डोमेन गूगल के थ्रू पैनलाइज नहीं है। इसका बैकलिंक का प्रोफाइल अगर आप जाके यहां पे देखेंगे तो सिंपली आप यहां पे ओवरव्यू के सेक्शन में आप जाएंगे इस डोमेन पे एंड देन सी हियर कि आपको यहां पर करीब करीब नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक और ट्रैफिक भी आ रहा है। बैकलिंक अगर आप देखना चाहे तो इसके बैकलिंक ओवरव्यू के सेक्शन के अंदर चले जाए, बैकलिंक एनालिसिस के सेक्शन के अंदर चले जाए तो आपको यहां पर बैकलिंक का डेटा भी देखने को मिलेगा। तो बैकलिंक को स्टडी कीजिए, कोई स्पैमी बैकलिंक नहीं है, अगर कोई जेन्युइन बैकलिंक कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट से आ रही है तो यह भी आपको एडवांटेज देने वाला है। जैसे जैसे इस पर आप
ऑथेंटिक कंटेंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब करीब 458 बैकलिंक्स हैं, 5000 से ज्यादा मंथली विजिट्स यहाँ पे बता रहा है और 220 ऑर्गेनिक ट्राफिक सा मतलब ऑर्गेनिक डोमेन के थ्रू आ रहा है। और ये साइट आप देख रहे हैं यूएसए, सिंगापुर, जर्मनी, मतलब कहीं ना कहीं टीयर वन कंट्रीज के अंदर रैंक्ड है। तो आप यहाँ पर इसका बैकलिंक का डेटा चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बैकलिंक को डिजाइन किया, या फिर मैं सिंपली आऊंगा डोमेन पे चेक करूंगा वो 220 डोमेन कोई स्पैमी डोमेन तो नहीं है। अब जैसे इसको स्क्रॉल करके देखेंगे यहाँ पर यूरोप स्टार है, साइट ट्रैफिक इसको छोड़ देना, आपको onlinepedia.net है, बैकडोर SBP के नाम से है, मतलब आपको देखना है इसमें से अगर 15 से 20 बैकलिंक भी जेन्यून है दैट मींस के डोमेन सही से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ तरीके से जेन्यून है, इस पर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। 4000 मंथली विजिट है विच इज गुड इनफ, इजो के थ्रू मोनेटाइज करके रखा है, Amazon एफिलिएट के थ्रू मोनेटाइज करके रखा है और इसकी जो अभी करंटली आस्किंग प्राइस है वो है करीब करीब $1100 के आसपास में। इनका कहना है कि $50 कमा रही है साइट, तो आप मोटा मोटी समझ रहे हैं कि साइट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। अगर आप 90,000 रुपए डाल करके साइट की स्टार्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जीरो से नहीं बल्कि प्लस वन से स्टार्ट करेंगे, आपको कॉन्टेंट पे और ज्यादा डिटेल जाना पड़ेगा। वेल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसी कुछ और वेबसाइट है जैसे स्टेबिलाइज स्टेट, ग्यूरा, ऐसी जो वेबसाइट है जहां पर मंथली जो $21 का प्रॉफिट है, 6 साल पुरानी वेबसाइट है, ऑलरेडी $1000 में बेची जा रही है। तो आप इस साइट को भी जाके देख सकते हैं, इस साइट को भी जाके देख सकते हैं, मतलब ऐसे सिमिलर वेबसाइट की लिस्टिंग को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये करंट हम जो देख रहे हैं वो ये वेबसाइट है और ऑलरेडी ऐसी वेबसाइट एक दो बार सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो इन साइट पे जाके देख सकते हैं कि जिसने भी इसको खरीदा है उसने उस साइट पे क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, मतलब ये सिमिलर वेबसाइट है जो फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी सोल्ड आउट हुई है। तो आप जाके उस साइट को देख पाएंगे कि ये साइट क्या थी, इसका स्टेट्स क्या था, यहाँ से हट चुकी है, बट उसके डोमेन को आप सिंपली जाके चेक कर पाएंगे। तो ये भी आपको देखना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये स्टैट दिखाई देगा इस साइट पे कितने ब्लॉग पोस्ट हैं और इस साइट पे कितना पर मंथ विजिट्स आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने आर्टिकल हैं मोनेटाइजेशन के अंदर, इस साइड ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और एफिलिएट के थ्रू ये कमा रही है। इसके अंदर गूगल एनालिटिक्स, Amazon एफिलिएट और इजोइक ये तीनों प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के थ्रू इस साइट को मोनेटाइज किया हुआ है। ये रेवेन्यू का प्रॉफिट आप देख पाएंगे, अभी आई एम नॉट श्योर कि ये रेवेन्यू इनका इंटीग्रेटेड है या नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब आप लिस्टिंग करते हैं जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यूजर अपने हिसाब से भी मैन्युअली डाल देता है कि मैंने इतना कमाया, उसके हिसाब से ग्राफ लिस्ट आउट हो जाता है। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इनका जो बायर है यहाँ पर कॉन्टेक्ट सेलर पे आप इसको बोल सकते हैं कि क्या आप हमें एक्चुअल वीडियो बना के भेज सकते हैं कि आपकी साइट का क्या स्टेट्स है, जिससे आपको ट्रस्ट आएगा। और कोई भी साइट आपको इंस्टेंटली बाय नहीं करनी है, उस यूजर को बोलना है कि मुझे उसकी इमेजेस भेजें, उसके वीडियोस बना के भेजें। अगर वो ऑथेंटिक सेलर होगा तो वो डेफिनेटली आपको डेटा भेजेगा, राइट। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रेवेन्यू ग्रोथ। इसके बाद ये फाइनल स्टैटिस्टिक्स में आपको दिख रहा है मंथली कितना प्रॉफिट कमा रहा है, साल का कितना कमा रहा है, साइट का आपका कितना पैसा लग रहा है। इसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स का इसका डेटा ऑलरेडी इन्होंने शेयर करके रखा है, शायद इंटीग्रेट किया होगा। तो आप देख पा रहे हैं इनके यूनिक विजिट आ रहे हैं कहीं ना कहीं 3700, तो ये बहुत ही अच्छा डेटा है। करीबन 3000 पेज व्यूज के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे यूनिक विजिट और पेज व्यूज आ रहे हैं 4000 के आसपास एवरीडे, विच इज गुड। ये साइट मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा ग्रो किया होगा। बाउंस रेट आप देख पा रहे हैं, पेज व्यूज आप देख पा रहे हैं महीने के 40,000 के आसपास के पेज व्यूज है। इसके बाद ये सबसे आपको लोग देखने की बात है कि इसके अंदर जो पेज व्यूज आ रहे हैं उसका कितना परसेंट ऑर्गेनिक आ रहा है। अगर वो 70% से ज्यादा ट्राफिक ऑर्गेनिक से आ रहा है, मतलब जेन्युइन वेबसाइट हो सकती है, इसमें आप आगे की तरफ देख सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से पेज यूज आ रहा है 2646। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस यूजर को डिमांड कर सकते हैं कि क्या आप हमें आपका गूगल एनालिटिक्स का व्यू का एक्सेस दे सकते हैं। तो वो आपको व्यू का एक्सेस देगा या फिर आपको वीडियो बना के भेजेगा कि आप गूगल एनालिटिक्स में इनसे उनका पूरा स्टेट्स देख पाएंगे कि किस तरीके से साइट पर ट्राफिक आ रहा है। तो अभी एज फार एज मुझे साइट बहुत जेन्युइन लग रही है। इसके बाद आपको सैमरस का डेटा यहाँ पे भी दिख जाएगा, अदरवाइज मैंने आपको सैमरस का टूल वैसे ही बताया। आपको बैकलिंक देखना है, आपको डोमेन का एज देखना है, कितना डोमेन पुराना है, ये 1 साल पुराना डोमेन है, कौन सी नीच में है। इसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पर प्लेस बिड पे जाकर के यहाँ पे बिडिंग कर सकते हैं कि $1100 में आप देखना चाहें तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 लोग बिड कर चुके हैं, मतलब ये 7 लोग ऑलरेडी इसके लिए कुछ पेमेंट देने के लिए तैयार है। आपको उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा उस बिड को एक्सेप्ट करवाने के लिए। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 7 बिड्स के अंदर ऑलरेडी लोग $1100 तक पहुंच चुके हैं, 970 देने के लिए तैयार है, 900, मतलब ये तो आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा अगर इस साइट को परचेस करना है, नहीं करना है। मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा, यहाँ पर आपको देखना है कि वो आईडी वेरीफाइड है, नंबर वेरीफाइड और गवर्नमेंट आईडी वेरीफाइड है या नहीं है। और ये ऑलरेडी बंदा ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन $1500 का कर चुका है, मतलब कि ये यूजर फ्लिपा पे बाय सेल करता आ रहा है या फिर इस पे ऑथेंटिक डेटा हो सकता है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं।
ये होने के बाद आपका जो पेमेंट का प्रोसेस होगा वो इसरो के थ्रू होगा। अगर ये सारा डेटा आपको सही से लगता है तो जैसे कि मैं अगर बात करूं, सबसे पहले हमें देखना है कुछ ऐसे पॉइंटर्स। सबसे पहले डोमेन एक साल एटलीस्ट पुराना है। नंबर टू, आपको यहां पर देखना है कि वो डोमेन गूगल के थ्रू पेनलाइज नहीं है। तीसरा, आपको ट्रैफिक का सोर्स देखना है कि कितना जेन्युइन ट्रैफिक है। अगर वो 70% से ज्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, दैट मींस वेल एंड गुड। चौथा, आपको बैकलिंक का प्रोफाइल जाकर चेक करना है कि किसी स्पैमी साइट से बैकलिंक ना लिया हो, क्योंकि इनिशियल इमीडिएट बूस्ट किसी साइट को मिल सकता है, तो आपको बैकलिंक को एनालाइज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है गाइस, इसका डोमेन के साथ साथ में आपको ये चेक करना है कि ये जब साइट सेल आउट करेगा तो आपको क्या क्या देने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताई देगा कि जैसे आप इस साइट को परचेस करेंगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक आपको डोमेन मिलेगा जो मैंडेटरी है, आपको दूसरा ब्रांड का लोगो, मतलब जो लोगो है वो सारी चीज आपको मिलेगी। इसके बाद उसकी साइट की पूरी कस्टमाइज डिजाइन आपको एज इट इज मिलेगी, वेबसाइट की पूरी फाइल मिलेगी और यूनिक कॉन्टेंट मिलेगा। तो ये डेटा आपको चेक करना है कि एटलीस्ट वेबसाइट, उसका डोमेन और उसका लोगो, ये तीन तो चीज आपको मिलनी चाहिए, बेसिक और यूनिक कंटेंट होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें, दैट मींस वेल एंड गुड। इसके बाद अटैचमेंट में आप जाके देख सकते हैं कि इजोई के अंदर इसका क्या अर्निंग का डेटा है। अगर आप वीडियो मंगवाना चाहे तो वीडियो मंगवा सकते हैं। तो देख पा रहे हैं इस साइट का इजोई का स्टेट्स है, तो आप इस पर रिलाय कर सकते हैं कि भाई सही में इस पर एक्चुअली ट्रैफिक आ रहा है एंड दिस इज अ वर्थ गोइंग वेबसाइट। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे, इस साइट को और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर जो गिटार के नीश के अंदर कोई बंदा है तो डेफिनेटली इस नीश की तरफ अपना बिडिंग का सेल लगवा सकता है, मतलब वो परचेस का रिक्वेस्ट डाल सकता है। इसके बाद गाइस, इसमें परचेस का सीन कैसा रहता है, जैसे आप यहाँ पे बिडिंग करेंगे, आपने बोला कि भाई मैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्लेस बिड पे मैं जाऊंगा। जैसे प्लेस बिड पे जाऊंगा, ये बोलेगा कि आपको कितने का बिडिंग करना है। जितना बिडिंग का रिक्वेस्ट आप डालते हैं, मान लीजिए कि इसके लिए मैं बोलता हूँ कि $1110 में दूंगा, और जैसे मैं प्लेस बिड पे जाऊंगा तो यूजर के पास रिक्वेस्ट जाएगा कि भाई ये $1110 आपकी साइट के लिए देना चाहता है। और जब फर्स्ट टाइम आप बिडिंग लगवाते हैं तो वो सेलर जो होता है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और वो जैसे ही उसको एक्सेप्ट करेगा देन आफ्टर आप बिडिंग उस पर प्लेस कर पाएंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप बिडिंग इस पर प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपकी बिडिंग एक्सेप्ट हो जाती है, दैट मींस कि अभी आप इस पर बिडिंग कर पाएंगे, और जो फाइनल ऑफर अगर वो एक्सेप्ट करता है तो आप ये पेमेंट इनके इसरो के वॉलेट, मतलब आपके अकाउंट को आपको इसरो के साथ में लिंक करना है। और जैसे एस्क्रो के साथ में आपका अकाउंट लिंक होगा तो आपको $1110 एस्क्रो के वॉलेट में भेजना है, जो मिडिल लेयर होगा, मतलब वो सेलर तक पैसा नहीं जाएगा। इसके बाद सेलर जो है आपको वेबसाइट का जो प्रॉमिस डेटा है वो आपको भेजेगा। आपको इस साइट को एक्सेस करेंगे, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद एस्क्रो के अंदर जाकर आप बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे साइट मिल चुका है, उसका डेटा मिल चुका है, और जैसे आप वहां पे अप्रूव करेंगे वो पैसा तभी जाके बायर के पास में जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिडिल लेयर में फ्लिपा काम करेगा। और जब भी आप ये साइट को परचेस करेंगे तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ प्राइसिंग होते हैं जो आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, जो वेरी करता है, 2-3% आपको फ्लिपा लेगा। इसके बाद में गाइस आपका ऑलरेडी एस्क्रो के थ्रू 2-3% चार्जेस रहेगा, इस तरीके से 5-10% आपका एडिशनल लगेगा एज पार्ट ऑफ कमीशन फीस, और इस तरीके से आप आपकी साइट को सेल आउट कर पाएंगे वाया फ्लिपा। दैट्स ऑल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को सेल करना, तो आप इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा जहां पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कैसे एक वेबसाइट को फ्लिपा पे सेल किया जाता है। होपफुली दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।